वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई आर पी मिश्रा वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ चंद्र इंस्टीट्यूट। तो गाइज, सुपर टेट 2009 बाल मनोविज्ञान का पहला लेक्चर हम भेज रहे हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा बता दूं, हमारा सिलेबस में 30-30 नंबर बटा हुआ है, जिसमें 10 नंबर का आपको बाल मनोविज्ञान आएगा, 10 नंबर का आपको जीवन कौशल आएगा और 10 नंबर का टीचिंग स्किल या शिक्षण कौशल आएगा। तो ज़्यादातर बच्चे परेशान रहते हैं जीवन कौशल को लेकर के, क्योंकि मार्केट में कहीं ऑथेंटिकेटेड मैटर नहीं है, ज़्यादातर बुक्स में साफ सुथरा दिया नहीं रहता। तो हम लोग एक लेक्चर ले रहे हैं डेमो के तौर पर, और आपको ये सिद्ध कर दूंगा दोस्त कि जीवन कौशल पढ़ना बहुत ही आसान है गाइस। बस आपको एक अप्लाइड टीचर बनना है, या एक अप्लाइड मतलब हमको यहाँ दिखाना है कि शिक्षा से दूर, मतलब जीवन एक कुशल जीवन जीने के लिए, कुशल शिक्षक, अगर शिक्षा से जोड़ूँ, एक कुशल शिक्षक बनने के लिए हमें कौन कौन से कौशल आने चाहिए। तो बेसिकली यह लेक्चर हमें लाइफ स्किल सिखाता है। हम तो हम आज इसमें एक चैप्टर है शिक्षक की भूमिकाएँ, मतलब शिक्षक के विभिन्न रूप, जिसमें आपको शिक्षक सुविधा प्रदाता, शिक्षक एक अनुश्रवण करता, ठीक है, इस बारे में शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में, शिक्षक एक मतलब कहने करते हैं कि हमें विभिन्न 5 रोल लेने हैं गाइज। उनमें से एक रोल है टीचर एज ए फैसिलिटेटर, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में। देखिए गाइज, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिद्ध करना है, और आपको लास्ट में बताऊंगा क्वेश्चंस भी कैसे बनते हैं। मतलब आपको सिद्ध करना है कि शिक्षक वो फैसिलिटेटर है, वो सुविधाएँ देता है जहाँ पर रह के एक बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है, मतलब वो परिस्थिति का निर्माण करता है, उन परिस्थितियों को कक्षा में पैदा कर देता है जहाँ से अधिगम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हमको सिद्ध करना है कि टीचर इज अ बिग फैसिलिटेटर, शिक्षक एक वो आदमी है जो बच्चे को सीखने की सुविधा देता है। तो चलिए आइए आपको दिखाता हूँ कैसे एक शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है। यहाँ कुछ एक पॉइंट्स लिखे गए हैं, विचार प्रकट करने की सुविधा, बच्चा कोई मशीन नहीं है, सुना, आप कोई भगवान थोड़ी हैं, आप ब्रह्मा के अवतार नहीं हैं, आप कोई अल्लाह नहीं है, कोई गॉड नहीं है कि आप ज्ञान की गंगा बहाएंगे बच्चा सीखता जाएगा, नो नहीं। पढ़ने के दौरान जितना आपके विचार प्रकट करने के लिए आप आतुर हो, उतना ही बच्चा भी कुछ बोलना चाहता है, और अगर बच्चे को विचार प्रकट करने का मौका नहीं दिया तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। क्लास में किसी भी परेशानी की स्थिति में बच्चे को विचार प्रकट करने की सुविधा कौन देता है? शिक्षक। इसलिए शिक्षक एक क्या बना? सुविधा प्रदाता बना। नाउ पॉइंट 2, जिज्ञासा। हम सभी लोग जानते हैं दोस्त, सोचो एक बच्चा जो 2 महीने का है पर देख रहा है ऊपर ही फैन चल रहा है, देख रहा है कि मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है जिसको मैं शूट कर रहा हूँ। अब छोटा बच्चा, उसके पास लैंग्वेज नहीं है, पर दोस्त वो जानता है, वो जानना चाहता है क्या है, उसको नहीं पता है कैमरा है। लेकिन गाइस जिस सुनना, जैसे ही उसके अंदर लैंग्वेज का उद्भव होता है, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, उसके क्वेश्चंस, जिज्ञासा, ये क्या होता है, ग्लास लेके आएगा, कप लेके आएगा, पापा ये क्या है, ये क्या होता है, क्या हुआ, किस लिए हुआ, बच्चे के विच हाउ व्हेन के क्वेश्चन से पेरेंट्स एकदम डगमगा जाते हैं। अब यह जिज्ञासा बच्चे की कौन शांत करता है? शिक्षक। आप ध्यान से सुनेंगे दोस्त, अगर बच्चे की क्यूरियोसिटी शांत नहीं की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चा बेचारा फ्रस्ट्रेशन में भर जाएगा। इसलिए बच्चे की क्यूरियोसिटी शांत करके ज्ञान निर्माण की सुविधा देता है हमारा शिक्षक। इसलिए शिक्षक एक क्या बना? सुविधा प्रदाता बना। तीसरा, भय मुक्त कक्षा कक्ष। देखिए दो सिंपल सी बात है, अगर टीचर डाकू जालिम सिंह होगा, हिटलर होगा, मुसोलिनी होगा, बच्चा बेचारा है, तो अब यार अपन लोग 40-45 साल के टीचर्स हैं, 35-25 जिस भी एज पे आप सिलेक्ट होते हो, अभी बच्चा यार है, कक्षा 1 का बच्चा है, KG का बच्चा है, इतना छोटा है कि तुमको देख के 10 मीटर तो ऐसे ही पीछे चला जाएगा, वो देखेगा यार ये दाढ़ी मूछ वाला आदमी कहाँ से आ गया है। अब आप सोचो अगर एक बच्चा यूँ खड़ा हो रहा है क्लास में कुछ पूछने के लिए, बोले क्या है, कुछ नहीं बॉस, कुछ भी नहीं, सुना, अगले 2-3 महीने तक कुछ रहेगा भी नहीं, अगले 2-3 महीने तक वो क्लास में कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब वो रोज़ भ्रम के साथ जाएगा, तुम सोच रहे हो तुम बहुत अच्छे टीचर हो, ज्ञान का निर्माण कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, आप ज्ञान का निर्माण नहीं कर रहे हो, बच्चे को आपने इतना डरा दिया है कि वो डर के मारे क्लास में बोल नहीं पा रहा है, ऐसे में कोई अधिगम नहीं होगा। पर अगर शिक्षक प्रजातांत्रिक माहौल वाला है, बच्चों के साथ फ्रेंडली है, बच्चों से सहानुभूति रखता है, तो दोस्त बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा भयमुक्त होगा, टीचर से बात कर पाएगा, बच्चे आपस में बात करके सीखेंगे,
और भयमुक्त वातावरण प्रदान करके अधिगम करने का मौका देता है शिक्षक। इसलिए आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक एक क्या है, सुविधा प्रदाता है। चौथा, भ्रम दूर करना, लाजमी है यार, हम सब लोग जानते हैं, हम आज इतनी उम्र के हो चुके हैं फिर भी हमें भ्रम हो जाते हैं, हम कोई चीज़ पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो अधिगम के दौरान, सभी अधिगमी एक जैसा नहीं सीखते दोस्त, पढ़ने के दौरान कन्फ्यूजन होना लाजमी है। और यह क्योंकि शिक्षक ये मौका देता है अपने बच्चों को क्या, कि बेटा अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मैं हमेशा हूँ तुम्हें हेल्प करने के लिए, प्लीज़ डाउट्स पूछो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो भ्रमित हो गए हो तो पूछो। अब विद्यार्थी टीचर के साथ आराम से आता है, सर मुझे समझ में नहीं आया है, मुझे कुछ डाउट्स हैं, प्लीज़ एक बार बता दीजिए, टीचर बता देता है और बच्चा अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लेता है। यह सुविधा शिक्षक देता है किसको, अपने शिक्षार्थी को। इसलिए मेरे बच्चों, शिक्षक एक क्या है, सुविधा प्रदाता है। आई होप गाइस यू टोटली अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट, क्षमता प्रदर्शन। हर बच्चे में, कोई मैथ्स में टैलेंटेड होता है, कोई हिंदी में टैलेंटेड होता है, किसी की ज्योग्राफी अच्छी होती है, किसी की हिस्ट्री अच्छी होती है, हर बच्चे में, कोई जरूरी नहीं कि सारे लोग गणित में ही ब्रिलियंट हो, कोई हिंदी में भी ब्रिलियंट हो सकता है। अब यह क्षमता बच्चे में अगर प्रदर्शित करने का मौका न दी जाए, एक बच्चा बहुत अच्छा गाता है, आप सोचते यार गाना क्या बकवास चीज़ है, मैं अगर किसी बच्चे को उसकी टैलेंट का प्रदर्शन करने का मौका नहीं दिया जाता तो क्षमता उसके अंदर मर जाती है, बंदा कुंठित होने लगता है। सोचो अगर सचिन तेंदुलकर के पिता उसको क्रिकेट खेलने की क्षमता प्रदर्शित करने का मौका नहीं देते, क्या हम महान सचिन तेंदुलकर को आज जानते होते? नहीं। शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को पहचानता है और उन्हें उसे प्रकट करने की क्षमता देता है, और प्रकट करने से उनमें संतुष्टि बढ़ती है, प्रेरणा आती है दोस्त, और बच्चा अधिगम के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि यह टीचर के द्वारा दी गई एक सुविधा है। इसलिए दोस्त इसे क्या बोलते हैं, एक सुविधा प्रदाता। और नेक्स्ट, त्रुटि एवं प्रयास की सुविधा। तो देखिए दोस्त, हर एक अधिगम, मैंने बोला दुनिया में क्या पहली बार, सोचिए जरा गाइस, केवल एक छोटा सा अक्षर याद करिए, आज जब एक बच्चा इसको गलत लिखता है आप उसे क्या कहते हो, तुम गधे हो, सीख नहीं पा रहे हो, तुम मोटी बुद्धि को, हमने कौन सा तीर मारा है बॉस, हमने कौन सा तीर मारा है। इस छोटे से अक्षर को सीखने में हमने अपने टीचर की नानी याद दिला दी। सोचो वो कहता था यार ऐसे लाइन खींचो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, पर वहाँ तो लाइन ही नहीं खींची जाती थी बॉस। तो हर बच्चा गलतियाँ कर करके सीखता है, सहानुभूति रखकर, धैर्य रखकर, अभी प्रेरित करके कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, आज तुम गलत कर रहे हो पर मुझे यकीन है मैंने भी ऐसे ही सीखा है, तुम भी गलतियां कर करके सीख जाओगे। यह त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा सीखने, धैर्य रखने, उत्साहित करने की सुविधा एक शिक्षक देता है, जिससे बच्चे के अधिगम का निर्माण होता है। इसलिए शिक्षक एक क्या है मेरे दोस्त, सुविधा प्रदाता है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा की सुविधा। बच्चे को अभिप्रेरित करता रहता है, नहीं बेटा हमको पढ़ना चाहिए, देखो तुमने गिनती गिनी कितना बढ़िया पुरस्कार, एक बच्चे ने अच्छा पढ़ा। हम सभी लोग जानते हैं दोस्त, प्रेरित करने से अधिगम मजबूत होता है। एक बच्चे ने अच्छे से क्लास में टेस्ट में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया, कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसको नोट दें, कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसे कार दें गिफ्ट में, हम केवल उसके लिए इतनी तालियां बजा सकते थे, वाओ तुमने बहुत अच्छा किया। यह मात्र शिक्षक की हौसला अफजाई अभिप्रेरित कर देती है बच्चे को अगले टेस्ट में और बेहतर मार्क्स लाने के लिए। तो अभिप्रेरणा के द्वारा और बेहतर अधिगम करने के लिए फैसिलिटी प्रदान करता है, सुविधा प्रदान करता है, माहौल निर्माण करके देता है शिक्षक अभिप्रेरणा द्वारा। इसलिए मेरे बच्चों, अभिप्रेरणा की सुविधा देता है कौन, शिक्षक। इसलिए शिक्षक एक क्या बना, सुविधा प्रदाता बना। और गाइज पूर्व ज्ञान, देखिए गाइज अब सोचिए, महान इवान पावलोव का सिद्धांत सोचिए गाइज, कितना एक आपको मनोविज्ञान का सबसे बड़ा राज बताने जा रहा हूँ। देखिए गाइज, हर बच्चा, कोई भी बच्चा खाली दिमाग लेके स्कूल में नहीं आता है। आप गलती से भी कभी मत सोचना गाइज, मैं खुद इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मतलब विद्यार्थी का दिमाग कोई कोरी स्लेट नहीं है, वो स्कूल में आने से पहले मम्मी पापा कहना, खाना पीना, उठना बैठना सीख जाता है। मत सोचना कि एकदम गधा है, नहीं, पर विद्यार्थी को अगर उस चीज़ से जोड़ के पढ़ाया जाए जो पहले से जानता है, उस समय अधिगम करना कितना आसान रहेगा। अब आपको वो राज दिखाता हूँ जो इतिहास का सबसे बड़ा राज है, पूर्व ज्ञान। आधा मनोविज्ञान टिका है पूर्व ज्ञान पे, पूरा NCF 2005 पूर्व ज्ञान पे टिका हुआ है दोस्त। और अब देखिएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से, जब बच्चा क से कबूतर पढ़ रहा है तो ध्यान से देखिए, बच्चे को बहुत दुश्मनी है किससे, क से,
पर बच्चे को बहुत लगाव है किसी कबूतर से। बच्चे को क्या होता है, बच्चे को कुत्ते बिल्ली जानवर शेर भालू चीते इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है, उसके खिलौनों में वो यही सब खेलता है, घोड़े हाथी। अब आप सोचो कि बच्चे को अगर कबूतर के बहाने क्या सिखाया जाए क, तो उसके लिए आसान रहता है क्या सीखना क, हमने ऐसे ही सीखा है दोस्त, हमने फोकस कभी नहीं किया शुरू में क पे, हमारा सारा फोकस कहाँ था, कबूतर पे था। कबूतर जो हम पहले से जानते हैं वह हमारा क्या है, पूर्व ज्ञान है, और नया ज्ञान क्या है क, पूर्व ज्ञान से जोड़ के रखा गया है किसको क को, और हम आसानी से इसी बहाने किसको सीख जाते हैं क को। और यह पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान का निर्माण करने की सुविधा कौन देता है, हमारा शिक्षक देता है मेरे बच्चों, इसलिए शिक्षक एक क्या है सुविधा प्रदाता। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड। और शिक्षण सामग्री गाइज सुनिए, हमको अबेकस देता है, हमको चार देता है, हमको कार्टून्स के माध्यम से, छोटा भीम के माध्यम से, नोविटा आपने देखा होगा आजकल प्ले स्कूल्स में, आपने देखी गाइज, बच्चे को अगर आप बुड्ढों का चित्र बनाओगे बच्चे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मैंने देखा गाइज, मैंने देखा क्योंकि मैं साइकोलॉजी का टीचर हूँ, देखता रहता हूँ दोस्त, छोटे बच्चे जाते हैं, अगर आपने देखा होगा प्ले स्कूल्स के वॉल्स पे भित्तियों पर तमाम कार्टून्स के चित्र बने रहते हैं, बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अले आले तो छोटा भीम है, अले आले तो नोविदा, वो अपना अधिगम ऐसे होता है गाइज, कैसे कि बच्चे को दृश्य से, उसको अगर आप बताओगे हवा में नहीं समझ में आएगा, पर शिक्षण सामग्री के रूप में वो चित्र बनाया गया है, बच्चा उसको देख रहा है, उसके दिमाग में घुस रहा है नॉलेज, इसलिए गाइस शिक्षण सामग्री से अधिगम क्या हो जाता है आसान। जैसे भाई हमको ये दिखाना है कि पृथ्वी गोली है, अब ये बात हम हवा में बता रहे हैं बच्चे को समझ में नहीं आएगी, पर वही ग्लोब में हम दिखाएंगे तो बच्चे को क्या आएगी समझ में आएगी दोस्तों। शिक्षण सामग्री प्रदान करके अधिगम को आसान बनाता है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यह फैसिलिटी टीचर प्रदान करता है, इसलिए शिक्षक मेरे बच्चे क्या है सुविधा प्रदाता है। और लास्ट सक्रियशील विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छा अधिगम मेरे दोस्त जानते कौन सा होता है, जब विद्यार्थी खुद करके सीखता है। हम विद्यार्थी को किताबी ज्ञान, अब कक्षा एक के विद्यार्थी को बताओगे कि बेटा लिखो गुलाब की खुशबू बहुत ही भीनी होती है, बहुत मीठी होती है, तुम्हें क्या लगता है गुलाब की खुशबू लिख के बच्चा जान सकता है, नहीं। आप क्लास में गुलाब ले आइए, बच्चे को सूंघने के लिए कहिए, जो चीज़ नाक से जानी जा सकती है वो आँख से नहीं जानी जा सकती। तो गाइज करके सीखना, देखिए गाइज अगर हम बच्चे को करके सिखाएं तो वो अधिगम किताबी नॉलेज से ज़्यादा टिकाऊ रहेगा, और अधिगम के दौरान प्रश्न पूछने, प्रश्न का उत्तर देने खुद सक्रिय रूप से, जितना शिक्षक सक्रिय है उतना ही विद्यार्थी सक्रिय है, जब इस तरह से कक्षा चलती है तो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण होता है, क्योंकि बच्चा खुद प्रैक्टिकली सीखता है, करके सीखता है। और गाइज बताने की जरूरत नहीं है, जब बच्चा खुद करके सीखेगा तो अधिगम ज़्यादा टिकाऊ और स्थायी होगा, क्योंकि यह सुविधा शिक्षक देता है दोस्त, इसलिए शिक्षक एक क्या बना सुविधा प्रदाता होगा इस। तो हमने क्या देखा दोस्त कि मतलब टीचर वो फैसिलिटीज, वो ज्ञान, वो परिस्थितियाँ निर्मित करके क्लास देता है, कोई नहीं आज विषय वस्तु आज पढ़ाई जाएगी भाई आज हम ये पढ़ेंगे, बच्चे आते हैं वो किताब लेके पढ़ाए, मतलब क्लास में परिस्थिति का निर्माण, नेतृत्वकर्ता के रूप में भी हमको शिक्षा, मतलब टीचर वो पूरी गतिविधि को डील करता है, वो माहौल निर्मित करता है जिसमें सुचारू रूप से क्या हो सके अधिगम हो सकता है। दुष्ट बच्चों को चुप रहो, तुमको क्लास में फालतू नहीं बोलना, किसी से झगड़ा नहीं करना है, इन सब बच्चों को कंट्रोल करके क्लास में बेहतर माहौल की सुविधा देता है शिक्षक, इसलिए मेरे बच्चों शिक्षक एक क्या बना सुविधा प्रदाता बना। तो गाइज मतलब आप, मुझे यकीन है गाइज के लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, मैं हमेशा बोलता रहूँगा गाइज जीवन से जोड़िए, उतार लीजिए बाल मनोविज्ञान को अपनी लाइफ में, आसान रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, प्रश्न फर्क नहीं पड़ता गाइज, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग, मुझे नहीं लग रहा है चंद्रा इंस्टीट्यूट किसी परीक्षा का मोहताज है, 10 में 9-9 नंबर से कम कोई बच्चा नहीं पाया है जिसने गलत टिक न किया होगा, जीवन कौशल में इस तरह से पढ़ाया गया था उन्हें, तो आपको और कुछ भी नहीं करना है, बस अच्छे से पढ़ना है गाइज। और हमेशा बोलता हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ गाइज, हम शिक्षक कोई भगवान नहीं है, हम माध्यम हैं, लक्ष्य नहीं है, मतलब आप लेक्चर लीजिए और खुद लाइफ में उतारिए, ये मेरे उदाहरण है, हो सकता है आपके पास इससे बेहतर उदाहरण हो, हमेशा गाइज बी प्रैक्टिकल वाइल गोइंग थ्रू साइकोलॉजी, व्यवहारिक बनिए जब आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हो। चलिए गाइज इसी के साथ, और गाइज ये आपको बता दूँ थोड़ा सा, ये हमारे नंबर्स हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हो, आपको इस पर लिख के भेजना है सुपर टेट डेमो, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ सुपर टेट लिखा ही है, आप सुपर टेट डेमो लिखोगे, बस आपको इस पर मैसेज भेज देना है या कॉल कर देना है, वैसे आप मैसेज भेज देंगे तो हमको आसानी से आपको वो डेमो लेक्चर भेजना, वो वीडियोज आपको सेंड करना आसान रहेगा, तो आप इसको डेमो लेक्चर भेजो,
हम आपको डेमो लेक्चर भेजेंगे, आप आराम से पढ़िए। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन गो फॉर द एडमिशंस, फिर आप एडमिशन रखिएगा। गाइस ज़्यादा मार्केटिंग नहीं होगी गाइस, सिंपल से बोलूँगा, आप निराश नहीं होंगे। ठीक है गाइस, बस इसी के साथ मैं आरपी मिश्रा आपको गुड बाय कहता हूँ दोस्त। स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहिए दोस्त। थैंक यू।